युवाओं ने पुलिस पर किया पथराव। जी हां, उत्तराखंड में भर्ती घोटाले के विरोध में राजधानी देहरादून में युवाओं ने जमकर हंगामा किया। युवाओं के प्रदर्शन की वजह से कई सड़कें जाम हो गई। पुलिस की अधिकारियों ने युवाओं से सड़कें खाली करने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे गुस्साए युवाओं ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। बता दें कि राजधानी देहरादून में कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर बेरोजगार युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं देर रात्रि पुलिस ने युवाओं को धरना स्थल से हटाने का प्रयास भी किया, लेकिन बेरोजगारों द्वारा खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए पूरे रास्ते को जाम कर दिया गया। पुलिस बल ने चारों ओर से बैरिकेडिंग लगाकर घेराबंदी भी की, लेकिन कुछ ही समय बाद स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो गई कि कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। तो खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि युवाओं का आक्रोश किस तरह से जो है सड़कों पर उतरा है। बता दें कि बेरोजगार युवाओं ने पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस पर जो है ये सारी चीजें युवा कर रहे हैं और सरेआम खुलेआम ये सारी घटना हो रही है। सीसीटीवी कैमरे में भी इसके फुटेज रिकॉर्ड हुए, आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थरबाजी जो है पुलिस पर की जा रही है। इनका गुस्सा भर्ती घोटाले के विरोध में जो है सड़क पर प्रदर्शन कर रहे, गुस्सा इतना ज्यादा है कि सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए युवा और भर्ती घोटाले के विरोध में राजधानी देहरादून में जमकर हंगामा युवाओं द्वारा किया गया और इनके हंगामे की वजह से जो है सड़क भी जाम हो गई, काफी ज्यादा ट्रैफिक लग गया, कई सारे लोगों का वक्त भी जो है खराब हुआ और पुलिस के अधिकारियों ने युवाओं से सड़क खाली करने को भी कहा, लेकिन युवा नहीं माने और पत्थरबाजी पर उतारू हो गए। इस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज की और स्थिति काफी ज्यादा खतरनाक हो गई। जैसे आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज की जा रही थी और युवाओं की तरफ से भी लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, राजधानी देहरादून की ये तस्वीरें हैं और कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर जो बेरोजगार युवा है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी यही मांग थी कि हमारी मांगों को सुना जाए। आखिर में गुस्से में आकर आज युवाओं ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी।